नमस्कार, मैं अरुण शर्मा, विज्ञानी डी मौसम विज्ञान केंद्र से। सबसे अधिक तापमान वेस्ट एमपी में 33.9, राजगढ़ में दर्ज किया गया और ईस्ट एमपी में चित्रकूट में 36.5 डिग्री सेल्सियस को रिकॉर्ड किया गया है। रेनफॉल की बात करेंगे तो वेस्ट एमपी में फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल हुआ है और 10 स्टेशन के अंदर हैवी रेनफॉल अर्थात 6 से 12 सेंटीमीटर के अंदर जो है वो दर्ज किया गया है। सबसे अधिक रेनफॉल 105.0 mm रेनफॉल गुना के अंदर 24 घंटों में दर्ज किया गया। इसी तरह ईस्ट एमपी के अंदर भी वाइड स्प्रेड रेनफॉल दर्ज किया गया है और 7 स्टेशन ने जो है वो हैवी रेनफॉल को रिपोर्ट किया है। सबसे अधिक रेनफॉल 84.1 mm डिंडोरी जिले के अंदर जो है वो दर्ज किया गया है। बात करते हैं तो वर्षा का दौर जो है वो अभी भी जारी रहेगा, लेकिन जो हमारे ईस्ट के जो जिले हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो थोड़ी सी वर्षा की जो है वो कमी आएगी, लेकिन अधिकांश जो हमारे जो नॉर्थर्न के जिले हैं उसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, विदिशा, सागर जैसे जिलों के अंदर कल भी हैवी रेनफॉल की होने की संभावना जो है वो बनी रहेगी। डे थ्री के अंदर अगर देखा जाए तो जो वेस्ट एमपी के जो जिले हैं उसके अंदर कुछ भागों कुछ कुछ जिलों के अंदर जो है वो वर्षा को दर्ज किया जाएगा, लेकिन जो ईस्ट के जो हमारे जो जिले हैं जैसे नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला जैसे जिलों के अंदर जो है वो अनेक स्थानों पर वर्षा के दर्ज होने की संभावना बनी रहेगी। साथ ही हैवी रेनफॉल जो है वो नर्मदापुरम और बैतूल जैसे जिलों के अंदर 7 तारीख को जो है होने की संभावना बनी रहेगी। 8 तारीख को देखेंगे कि तो जो वेस्ट के जो हमारे जिले हैं एमपी के उसके अंदर पृथक पृथक स्थानों के अंदर जो है वो वर्षा होगी, अर्थात वर्षा का जो दर्ज है वो कमी दर्ज की जाएगी वेस्ट एमपी के अंदर, लेकिन नॉर्थ ईस्ट एमपी के अंदर जो है वो वर्षा का गतिविधि जो है वो बरकरार रहेगी और अनेक स्थानों पर वर्षा को जो है वो दर्ज किया जाएगा। साथ ही हैवी रेनफॉल जो है आप छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, कटनी, मेहर, सतना और जबलपुर जैसे जिलों के अंदर 8 तारीख को होने की संभावना बनी रहेगी। 9 तारीख को साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बे ऑफ बंगाल के ऊपर डेवलप होगा और उसके नॉर्थ वेस्ट की चलने के कारण जो है वो नॉर्थ ईस्ट जो हमारा एमपी का रीजन है उसके अंदर जो वर्षा की गतिविधि है वो बरकरार रहेगी, लेकिन वेस्ट के अंदर जो है वो वर्षा की गतिविधि थोड़ी सी जो है वो रुकावट आएगी, थोड़ी सी कमी आएगी और उसके अंदर आइसोलेटेड प्लेसेस के अंदर वर्षा को दर्ज किया जाएगा और भारी वर्षा का जो जिले जो है जबलपुर, डिंडोरी, कटनी, मेहर, सतना, पन्ना, छिंदवाड़ा और पंडुआ जैसे जिलों के अंदर जो है वो हैवी रेनफॉल को जो है वो दर्ज होने की संभावना 9 तारीख को बनी रहेगी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो वर्षा की गतिविधि जो है वो 8 और 9 तारीख को ईस्ट के अंदर ज्यादा रहेगी और 8 और 9 तारीख को वेस्ट के अंदर जो है वो वर्षा की गतिविधि में थोड़ी सी कमी आएगी। भारी वर्षा के जो चेतावनी अलर्ट किए गए हैं प्रदेश के लोगों से अनुरोध है कि वो सावधानियां बरतें। धन्यवाद।